अच्छा, मैं अब यहाँ पर ऐड करूँ, मुझे ये बता दो कि कौन सा बच्चा था, उसको मैं ऐड नहीं करूँगा। मैं मीटिंग रीस्टार्ट की ही इसलिए है कि सर डिस्टॉर्शन, बीबी स्टूडेंट तो बीबी के स्टूडेंट सारे ही हैं, आप लोग सारे बीबीए के तो स्टूडेंट हैं भाई, बीएस बीबीए की तो होता है। अच्छा, नहीं सर, बीबी स्टूडेंट के नेम से था वो कोई। बीबीए स्टूडेंट के नेम से था वो, पक्की बात है भाई, दोबारा डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं बड़ा खुश अखलाक इंसान हूँ, मुझे गुस्सा ना दिलाया करो तुमको। फैजान अहमद नहीं था? फैजान जी जी अहमद जैन, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। सर जैन मुझे ये बताओ कि कौन सा वाला फैजान है जो करता है ये? दो फैजान है, मुझे पता नहीं चल रहा कौन आई डोंट नो अबाउट इट सर। सर अगर सा मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले आपको बताता। फैजान। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो मेरे तुम यार, ओके, नाम कोई बताओ बात मुझे। ठीक, नहीं। जिसको भी पता है मुझे नाम बता दो, कि बिला वजह जो कहते हैं ना कि किसी भी गुनहगार को गुनाह मिलना चाहिए, किसी भी मासूम को गुनाह नहीं, वो नहीं मिलनी चाहिए, सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसा ना हो बेचारा जो कसूरवार नहीं, उसको सजा मिल जाए। किसी को भी नहीं अगर सर, पता इसमें है, एक फैजान एक ही आ रहा था, तो मैंने तभी आपको सिर्फ उसी का बताया कि फैजान एक ही आ रहा था इस वक्त। सर फैजान तो अच्छे स्टूडेंट है सर। एक फैजान तो अच्छा है, मुझे पता है, दूसरा फैजान कौन आ रहा था ये? नहीं सर, उस उनको नहीं देखा हमने आज तक। एक तो चलो अच्छे खैर, स्टूडेंट है। एक तो अच्छा स्टूडेंट है, वो मुझसे गलती हो गई थी, वो दो नाम एक साथ आ रहे थे लेके बिना। हाँ, दो फैलान ना हमारी क्लास में। अच्छा, चलो खैर, वो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ही दे जाने कि कौन था कौन नहीं था। अच्छा एक ना एक काम कीजिएगा, ये आज के जो स्टूडेंट्स सारे आए हैं, ये मुझे एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नाम कौन कौन सा, मुझे अटेंडेंस मार्क करनी है ये सारे। ठीक है, सर मॉडिफायर पेपर्स में आते हैं बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। केस, मतलब अब के मैं बिल्कुल जिस तरह एज जिस तरह मैं शेयर कर रहा हूँ ना, बिल्कुल उसी तरह से एग्जाम में आता है। मिसप्लेस मॉडिफायर्स को सही जगह पर लगा दो, सही है बिल्कुल सर। इसी तरह एग्जाम में आता है। देखो, ऑनलाइन क्लास में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में नहीं आता, ओके सर, बेफिक्र रहो, क्योंकि तुम लोगों का वक्त कीमती है, मेरा वक्त भी कीमती है, बिना वजह की बातें करनी नहीं। सबको एडमिट कर लूं पहले यहाँ पर, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। साथ भी हमारी क्लास का है, अच्छा यस सर। ठीक है सर भाई, मैंने सबको ऐड कर लिया है यहाँ पर, अब देख लेते हैं। मैं बता रहा था मॉडिफायर्स बेसिकली क्या है, ऐसा वर्ड, ऐसा फ्रेज, ऐसा क्लॉज जो बेसिकली करता है क्या हो, मीनिंग्स में कुछ ना कुछ ऐड कर देता हो। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स पहले मैं और थोड़ा डिटेल में लोगों से समझाता हूँ। थोड़ा सुकून से पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा मेरा दिमाग खराब हो गया था आवाज सुन सुन के। तो खैर, बात करते हैं, जैसे एडजेक्टिव है हमारे पास। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव समझता है ऐसा वर्ड जो ऐड करता है कुछ भी किसी की मीनिंग में, यानी नाउन की या नाउन की। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, डिस्क्राइब्स नाउन
ऑफ प्रोनाउन. तो सबसे सिंपल सी एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं कहता हूं ही इज गुड स्टूडेंट, इफ आई से ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो ये जो गुड है यहां पर ये बता रहा है कि वो किस क्वालिटी का स्टूडेंट है. तो ये क्वालिटी क्या है, ये एडजेक्टिव है और ये क्वालिटी आपकी मॉडिफायर भी कहलाएगी, क्योंकि ही इज अ स्टूडेंट एक सेंटेंस बन रहा था, मुकम्मल था, लेकिन इस सेंटेंस में मजीद मॉडिफिकेशन ऐड कर दी, एक वर्ड है जो था गुड, तो ही इज अ गुड स्टूडेंट, ये गुड क्या है, गुड मॉडिफायर है, ठीक है. लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं कि ही इज स्टूडेंट गुड, तो अब इतनी बच्चों वाली चीज है इसलिए तुम्हें समझ में आसानी से आ जाएगी. ही इज अ स्टूडेंट गुड में क्या है, गुड को मिसप्लेस कर दिया है मैंने, देयर इज अ केस ऑफ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, ठीक है. इस सेंटेंस की अगर बात करें तो इसमें क्या है, मिसप्लेस मॉडिफिकेशन हो गई है. ये जो गुड है ये आना कहां चाहिए था, ये आना चाहिए था यहां से उठकर कहां पर, स्टूडेंट से पहले. तो एग्जाम में मुझे बस ये करना होगा, अगर मिसप्लेस मॉडिफायर होगा तो मुझे उसको कहां करना होगा, राइटली प्लेस करना होगा, ठीक है. लेकिन इतना सिंपल एग्जाम में नहीं आएगा. सर वन मोर टाइम प्लीज. हां मैं कह रहा हूं ही इज अ गुड स्टूडेंट है, असल वर्ड असल सेंटेंस ये था. अब ही इज अ गुड स्टूडेंट में ही इज अ स्टूडेंट इन कंप्लीट बेसिकली मजीद इजाफा कर रहा है, ठीक है. तो ये मॉडिफायर है, एक बात तो क्लियर हो गई. लेकिन अगर एग्जाम में हमें ही इज अ गुड स्टूडेंट के बजाय क्या लिख कर दे देते हैं, ये ही इज अ स्टूडेंट गुड. अब ही इज अ स्टूडेंट गुड में आप सेंटेंस जब पढ़ेंगे तभी आपको कुछ अजीब सा होगा, भाई ये क्या कर दिया उन्होंने, जो मॉडिफायर था वो गलत जगह पे प्लेस कर दिया उन्होंने. तो इसे हमें सही जगह पे राइटली प्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे ही इज अ गुड स्टूडेंट कर देंगे और आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपने मिसप्लेस मॉडिफायर को सही कर दिया. सर मॉडिफायर को एडजेक्टिव ही कहेंगे, मॉडिफायर में एक मॉडिफायर एडजेक्टिव भी होता है, मॉडिफायर में एक मॉडिफायर एडवर्ब भी होता है, मॉडिफायर में एक मॉडिफायर फ्रेज भी होता है, मॉडिफायर में एक मॉडिफायर क्लॉज भी होता है. जो भी सेंटेंस में कोई ना कोई मीनिंग ऐड करके उसको मजीद डिटेल कर देगा, मजीद डिस्क्राइब कर देगा, वो मॉडिफायर कहलाता है. इज दैट अंडरस्टूड? यस सर. मॉडिफायर कैन बी एन एडजेक्टिव, मॉडिफायर कैन बी एन एडवर्ब, मॉडिफायर कैन बी अ फ्रेज, मॉडिफायर कैन बी अ क्लॉज, ठीक है. जो भी आपको लगेगा कि मॉडिफाई कर रहा है, जैसे आप एक देख लेना, एक कार में इंजन लगा के नई नया इंजन लगाते हैं, वो भी मॉडिफिकेशन है. एक कार की पूरी बॉडी नई बना देते हैं, वो भी एक मॉडिफिकेशन है. सारे मिलके हमको पाक, ठीक है. ये क्लियर हुई बात सबको? यस सर, क्लियर है. अच्छा अब यहां पर देखो, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोलना है, कोई भी क्वेश्चन है तो सर. किसी 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 सेंटेंस को मतलब डिस्क्राइब करना अच्छे से, वो मॉडिफायर कहलाएगा. हाँ, किसी भी सेंटेंस की अगर मीनिंग पहले भी क्लियर हो लेकिन उसको मजीद क्लियर कर दिया जाए, मजीद एक्सप्लेनेशन देकर, चाहे वो एक वर्ड से देकर, चाहे वो एक क्लॉज से देकर, चाहे वो एक फ्रेज से देकर किया जाए, तो मॉडिफिकेशन कहलाती है, और वो जो वर्ड या क्लॉज या फ्रेज है वो मॉडिफायर कहलाता है, ठीक है. बड़ी सिंपल सी बात है ये. तो अब मैं तुम लोगों से अगर ये कहता हूं कि When I was at the door, I looked at you. ठीक है? अगर यही सेंटेंस मैं इस तरह लिख देता गलती से, When when I looked at the door, I was at you. तो ये सेंटेंस में कंटेंट तो सारे सगरे, यानी इंग्रेडिएंट्स तो सारे वही हैं, लेकिन नीचे वाला केस क्या है, मिसप्लेस मॉडिफायर का केस है. यानी मैं दरवाजे पर नहीं देख रहा था, मैं उस तुमको देख रहा था, दरवाजे पर खड़ा था मैं, और नीचे वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, मैं दरवाजे पर देख रहा था, तुम पर खड़ा था, यानी तुम पर पैर रख के खड़ा हो गया, तुम्हें दबा दिया मैंने, ठीक है, तुम्हारा मुंह कुचल दिया मैंने, ये मतलब हो गया इसका. यानी तमाम के तमाम वर्ड्स, तमाम के तमाम इंग्रीडियंट्स नीचे वाले में भी सेम है, लेकिन क्यों, क्या मसला आ रहा है, मिसप्लेसमेंट का मसला आ रहा है. यानी ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है, व्हेन आई वाज एट द डोर आई लुक्ड एट यू, नीचे वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, When I looked at the door, I was at you. अब इसका मतलब क्या है, ये सेंस तो बना रहा है लेकिन ये नॉनसेंस है. पहले फुर्सत में निकल,
ठीक है, क्लियर हुई बात ये? इन दोनों सेंटेंस में क्या है, इंग्रेडिएंट सारे सेम है, यानी अगर आप कोई रेसिपी बनाने जा रहे हो, उस रेसिपी में अगर आप कोई भी चीज आगे पीछे कर दो तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, या वो जो डिश बनाने जा रहे हो बनेगी नहीं, कुछ और बन जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, नीचे वाले सेंटेंस में जो इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किए वो ऐसे यूज किए कि वो पैथेटिक सेंटेंस बन गया, वो सेंस ही नहीं दे रहा, और ऊपर वाला सेंटेंस एक बाकायदा सेंस दे रहा है, जो बात कहना चाह रहे थे वही कन्वे कर रहा है। क्लियर हुई बात ही? ये मिसप्लेस मॉडिफायर कहलाता है। तो नीचे वाले अगर एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसको सिर्फ अरेंज करके सही बना देना है। क्लियर हुई बात ही? यानी एग्जाम में आपको ये दिया जाएगा जो क्या है, गलत है। ओके ठीक है, ये गलत है, और ये वाला जो आपका नीचे वाला सेंटेंस है क्या हो गया, आपने करेक्ट कर दिया इसे। क्लियर हुई बात ही? दो सेंटेंस में आपके पास क्या था, एक सेंटेंस में मॉडिफायर था लेकिन वो मिसप्लेस था, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आपने क्या किया, उस सेंटेंस को आपने रीअरेंज करके जो मॉडिफायर की गलती थी उसे करेक्ट कर दिया। बस इतना काम होगा एग्जाम में आप। क्लियर हुई बात? ये मिसप्लेस मॉडिफायर का केस है। तो अब उस एग्जाम्पल पे आते हैं जो मैंने लेक्चर का एक पीडीएफ शेयर करना था, उसको देख लेते हैं। अब देखो इसे, अब इसमें क्या लिखा है, मिसप्लेस्ड लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है, यानी माय सिस्टर ओनली हैज टू चिल्ड्रन। अब इसमें इंग्रेडिएंट सारे हैं आपके पास, लेकिन गलती क्या हो रही, ओनली हैज से पहले आ रहा है जो गलत है। तो आपको करना क्या था, माय सिस्टर ओनली हैज टू चिल्ड्रन की जगह माय सिस्टर हैज ओनली टू चिल्ड्रन, अभी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, करेक्टेड वर्जन हो गया। नीचे वाला जो मेरी दूसरी एग्जाम्पल थी बिल्कुल उसकी तरह है, आपको नजर आ रहा होगा कि द लिटिल गर्ल स्क्रीम एट द लाइब्रेरी एट हर मदर। अब वो लड़की जो है लाइब्रेरी पर चिल्ला रही, लाइब्रेरी पर तो चिल्लाने वाली चीज नहीं, बेजान चीजों पर कौन चिल्लाता है, वो अपनी अम्मा पर चिल्लाई थी, लाइब्रेरी में मौजूद थी वो, असल बात तो ये थी। तो आप क्या कहेंगे, एट द लाइब्रेरी द लिटिल गर्ल स्क्रीम्ड एट हर मदर, या द लिटिल गर्ल स्क्रीम्ड एट हर मदर एट द लाइब्रेरी, यानी एट द लाइब्रेरी कहीं भी आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन जो स्क्रीमिंग है इसका कनेक्शन किससे था, एट हर मदर से था। बस ये आपको देखना है, ये रियलाइज करना है। क्लियर हुई बात ये? क्लियर हुआ सबको ये? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो अब ये नीचे वाला मुझे बताओ। अब नीचे वाले की एग्जांपल मुझे बताओ कि आई हेल्ड द टिकट टाइटली इन माय हैंड दैट माय फ्रेंड गेव मी। माय फ्रेंड गेव मी। अब इसको तुम किस तरह अरेंज करके दिखाओगे, चैट में मुझे बताओ। ये तो करेक्ट वर्जन एक लिखा हुआ है, ठीक है, करेक्ट वर्जन और भी हो सकते हैं, तो मुझे बताओ करेक्टेड वर्जन कैसे बनाओगे इसका। I held the ticket tightly in my hand that my friend gave me. एक तो नीचे given sample है, उसको छोड़ दो, उसके अलावा कैसे बनाओगे? मैं चैट पे शेयर करके बता दूंगा इसे। So, mama, बिल्कुल बिल्कुल गलत हो गया इसका, तो मतलब ही चीज कर दिया आपने, इन माय फ्रेंड हैंड गलत हो गया। चले जाओ यार, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। कौन सा कल
दुकान चले जाओ यार भाई, आवाज बंद कर, आवाज बंद करके घर की बातें करें। अल्लाह के बंदो और बंदियों, माय फ्रेंड गेव मी आई हेल्ड द टिकट टाइटली। नहीं 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 ऐसे नहीं करते, क्या कर रहे हो, तौबा करो जल्दी से, इंग्लिश में तौबा करो इसकी, क्या लिख देते हो, तौबा जल्दी जल्दी तौबा करो, जल्दी जल्दी तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ली। कफारा अदा करना पड़ेगा इसका। असल में देखो टिकट का कनेक्शन माय फ्रेंड से है, ये रियलाइज करना है तुम लोगों को, ठीक है। टिकट का कनेक्शन माय फ्रेंड से है, सबसे पहले ये याद कर लो, यानी द टिकट माय फ्रेंड गेव मी या द टिकट दैट माय फ्रेंड गेव मी, ये एक जगह आएगा, ये रियलाइज करना है। जो टिकट है तो मेरे दोस्त ने मुझे दिए थे, तो द टिकट दैट माय फ्रेंड गेव मी ये एक जगह आएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी जो भी चीजें आप सेट करना चाहो, जैसे करना चाहो कर सकते हो, लेकिन असल चीज क्या है, द टिकट जो है वो किसने दिए, दोस्त ने दिए, तो इनका कनेक्शन किससे, दोस्त से है कनेक्शन। तो द टिकट That my friend gave me को एक जगह करना है, फिर अब दोबारा इसको अरेंज करके मुझे बताओ, बाकी कोई भी चीज कैसे भी सेट करोगे वो देख लेते हैं, लेकिन ये चीज आगे पीछे नहीं होगी। सर मैं बताऊं? जल्दी बताइए। The ticket that my friend gave me, I held it tightly in my hand. बिल्कुल सही है, आप सही, बिल्कुल सही, ठीक है। यानी बेसिकली इसमें अपनी मर्जी से वर्ड ऐड कर सकते हैं, लाइक फाइजा ने कहा आई हेल्ड इट, आई हेल्ड इट्स जो है आप यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, इट का आप एडिशन कर सकते हो, लेकिन ये ख्याल करना है द टिकट दैट माय फ्रेंड गेव मी जो है वो चेंज ना हो, आगे पीछे ना हो। तो सर फिर जो इसके ऊपर वाला सेंटेंस था, इसमें हम इन द लाइब्रेरी भी कर सकते थे। दोबारा बोलो क्या, किस तरह, इन द लाइब्रेरी, इससे हाँ नहीं तो एट द लाइब्रेरी मतलब तो दे रहा है वो वहां पर, तो चेंज करने की जरूरत, लाइक अगर हम चाहे तो वैसे तो कर सकते हैं ना, अगर हम सर इसी तरह कोई भी वर्ड ऐड कर सकते तो कोशिश like, कोशिश करो इकरा, अगर वर्ड ऐड करना है तो मजबूरी में करना, वरना जरूरी नहीं है, ठीक है। कोशिश करो, अवॉइड करो, जो वर्ड्स हमें गिवन है उन्हीं से बनाने की कोशिश करो, अगर ना बना पाओ तो फिर अगर कभी जरूरत पड़े तो कर लेना, वरना अवॉइड करना, ठीक है। एट द लाइब्रेरी जो वर्ड है उसमें एट एक प्रपोजिशन है, और एट को हटा के इन लगाने का कोई तो बनता नहीं है वैसे, ठीक है, तो बेहतर है कि अवॉइड कर लो उसे, ओके सर, ठीक है। तो मैं मजीद अभी तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इसको कन्वर्ट करिए, मुझे बताते जाओ। चलो मैं तुम लोग को जबानी बताता हूं, आई वॉच्ड द शो एट द नाइट ऑन टीवी, आई वॉच्ड द शो एट नाइट ऑन टीवी, आई वॉच्ड द शो एट नाइट ऑन टीवी, अरेंज करो इसे, मिसप्लेस्ड है ये, आई वॉच्ड द शो एट द, आई वॉच्ड द शो एट नाइट ऑन टीवी, एट नाइट आई वॉच्ड द शो ऑन टीवी, बिल्कुल सही है। या आई वॉच द शो ऑन टीवी एट नाइट, एट नाइट को आगे पीछे कर सकते हो, सीधी सी एग्जांपल, हाँ यस, क्लियर ही बात है, बड़ा सिंपल सा है सर, पेपर में भी इतना आसान दिएगा। फिर आप ऐसे दे देंगे तो फिर हम कैसे करेंगे सर, कुछ और एग्जांपल्स दे दो। हाँ हाँ मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को, बेफिक्र रहो, पढ़ाई की बात करोगे तुम तो कैसे, पर मैं चैट में शेयर कर रहा हूं, ठीक है, उसको सेट करके बताओ मुझे, चैट एवरीवन पे जा रहा हूं मैं यहां पर, ये तुम लोग देखो और कन्वर्ट करके बताओ मुझे, बेहतर बनाओ उसे। Bored with all the lectures, happiness overcame well at the end of the school day.
अच्छा यहाँ पर जो विल है, विल नाम है, ये ख्याल करना, विल का मतलब वो वाला विल नहीं, फ्यूचर वाला विल नहीं है, विल बंदे का नाम है, नाम, हाँ विल बंदे का नाम है, विल की जगह तुम इसको वलीद कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। नहीं यहाँ पर होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था, देखो इसमें ये कह रहे हैं कि बिल जो है खुश था। अच्छा बोर जो होना होता है वो खुशी के अगेंस्ट जाता है ना, यानी बोर के लिए जो वर्ब है आपके पास वो असल में उसको नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो बोर्डम बनता है। क्या बनता है? बोर्डम, बोरियत को बोर्डम कहते हैं, बोर्डम, ठीक है बोर्डम कहते हैं। तो अगर आप कहना चाहें कि इन सब वो वलीद आखिर में दिन के अख्ताम में खुश था, दिन के अख्ताम में खुश था, तो इसका मतलब क्या है? उसकी बोर्डम खत्म हो गई थी, नेक्स्ट से बोर्ड हुआ था, वो बोर्डम थी उसे, लेकिन वो दिन के अख्ताम में खुश था, यही कहना चाह रहे हैं ना इसमें, एट द एंड ऑफ द डे लिखा था। यानी अगर हैप्पीनेस एट द एंड ऑफ द डे आ रही है तो इसका मतलब जो बोर्डम उसको शुरू में थी दिन में वो खत्म हो गई, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, वलीद या विल जो भी है आप इसको लिखेंगे, वलीद वॉज हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, ये आपने अरेंज कर दिया पहले, वलीद वॉज हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे क्या है, वलीद खुश था, पहली बात तो ये हो गई। यानी आपने इसको अरेंज किया, रीअरेंज किया, वलीद वॉज हैप्पी स्कूल डे लिखवाया था तो लाजमी है कि मतलब हम लोग चेंज कर सकते हैं उसे, नहीं एट द एंड ऑफ द स्कूल डे भी मतलब स्कूल डे है वो है यहाँ पर, मैं स्कूल लिखना भूल गया हूँ, बेफिक्र रहो, वलीद वॉज हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्कूल डे, ये तो ये बनेगा पहला हिस्सा, तो याद कर लो ये फिक्स रहेगा, ठीक है। बाकी क्या है, जो बोर्डम है बोर्डम को ओवरकेम किया है उसने, हैप्पीनेस को ओवरकेम नहीं किया, ओवरकेम करना तो काबू पाना है, तो खुशी पे कौन काबू पाता है भाई, खुशी तो इंसान को बेकाबू करती है, ठीक है। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए था, ये आप इसको ओवरकमिंग his boredom with the lectures Waleed was happy at the end of the school day, ये एक तरीका है बनाने का, ठीक है। यानी असल में क्या था, boredom उसे किससे थी, lecture से थी, तो boredom को overcome करेगा ना वो, ना कि अपनी खुशी को ओवरकम कर ले, क्लियर बात है। इसमें मुझे सेटलमेंट करना पड़ा, इसमें मुझे इसको रीअरेंज करना पड़ा, नहीं सुमामा गलत हो जाएगा, बोर्ड विद ऑल द लेग्स हैपनेस ओवरकेम विल वेरी गोज हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्कूल डे बोर्डम विद लेग्स, नहीं 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 कंप्लीट नहीं हो रहा, वलीद ओवरकेम हिज बोर्डम विद द लेक्चर्स, ये भी हो सकता है, वलीद ओवरकेम हिज बोर्डम विद लेक्चर्स एंड वाज हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द स्कूल डे, ये भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन है, ये भी अल्टरनेटिव है आपके पास, कि वलीद ओवरकेम हिज बोर्डम विद द लेक्चर्स एंड वाज हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्कूल डे, ये भी सही है, लेकिन ओवरकेम करेगा वो बोर्डम को अपनी, ये ख्याल करना है, हुआ ना थोड़ा मुश्किल ये,
बहुत तो जो इतना सिंपल था तो एग्जाम में ऐसा भी आ सकता, लेकिन इतना मुश्किल नहीं देंगे, उम्मीद है मुझे इतना मुश्किल नहीं देंगे। सर आप इंटरनल में देंगे? जी दूंगा मैं, मगर इतना मुश्किल नहीं दूंगा। चलो मैं एक और दे रहा हूँ, ये भी मिसप्लेस मॉडिफायर का केस है, बड़ा सिंपल सा दे रहा हूँ, ये तुम लोग कर लोगे आसानी से। हाँ एग्जाम में नहीं दूंगा इतना मुश्किल में, सब कह रहे हैं सर एग्जाम में नहीं दीजिएगा। चलो ये सही करके बताओ, ये भी गलत है। द टॉल बॉय लेड द परेड विद रेड हेयर, बहुत ही सिंपल है। अब मुझे बताओ ये रेड हेयर परेड के हैं या बंदे के हैं? बंदे के हैं। बंदे के हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, परेड के कैसे हो जाएंगे भाई, बंदे के ही हैं। तो इसको आप कैसे कह देंगे, the tall boy with red hair led the parade, खत्म हो गई बात, it's as simple as that। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है सर। यानी आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप कैसे कह सकते हो इसे, द टॉल बॉय विद रेड हेयर लेट द परेड, ठीक है, एक ऑप्शन ये आपके पास, ये सब बना सकते हैं। या अगर थोड़ा बेहतर इंग्लिश जानने वाला बंदा है तो वही भी कह सकता है कि द रेड हेयर्ड टॉल बॉय, लाल बालों वाला लंबा आदमी जो था उसने परेड को लेट किया था। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, यानी द टॉल बॉय विद रेड हेयर लेट द परेड, एक तो ये ऑप्शन है, या द रेड हेयर टॉल बॉय लेट द परेड, ठीक है, दोनों सही है। चलो मैं अगला लिख के देता हूं लोगों को, I watched movie TV on a fierce sun. अब इसको rearrange करो कि क्या लिख दिया, किस तरह की English है, बिखरी हुई बहकी हुई English हो गई, जल्दी से इसको rearrange करके बताओ। I watched movie TV on a fierce sun. I watched movie TV on a fierce sun. इसमें भी क्या है, misplaced modifier है ये। I watched a fearsome movie on TV. बिल्कुल सही है, 10 on 10 हो गया भाई सुमामा इस बार, 100% सही। मैं भी यही बोलने वाली थी। हाँ लेकिन पहले सुमामा ने बोल दिया तो सुमामा का बिल्कुल सही हो गया ना। अब देखो अगला सेंटेंस दे रहा हूं, ये सब कॉपी करके रखना भाई मामा। ये सब जितने भी एग्जांपल हो कॉपी कर लियो। माय फादर बॉट एक्सपेंसिव मिया कार, आप देखो कितनी अजीब सी बात है, माई फादर बॉट एक्सपेंसिव मी अ कार। अब
इसमें क्या है, अगेन इसमें एक मॉडिफायर है जो मिसप्लेस्ड है, इसको भी जल्दी से करेक्ट करके लिख के रखा। माय फादर बॉट मी एन एक्सपेंसिव कार। अब इसमें एहतियात करनी है, देखो इसमें मिसप्लेस्ड मॉडिफायर तो था लेकिन सुमामा ने फिर 100% सही कर दिया, माय फादर बॉट मी एन एक्सपेंसिव कार, यहां पर आ नहीं आना, आपको एन कन्वर्ट करना है, थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर था। मैंने पहले कहा था ये। हाँ लेकिन आ की जगह एन भी मतलब इसे लिख मामा जीता है भाई। भाई चलो सही है, मान लिया तुमने भी सही कहा था लेकिन सुमाना मैंने सही लिखा है, ठीक है बस आ नहीं आएगा। एक्सपेंसिव का साउंड का है, वाउल साउंड है तो वाउल साउंड से पहले ऑब्वियसली बट एन आएगा, आ नहीं आएगा, बस ये कर लेना, ठीक है। My mom cooked a delicious night at meal. अब बताओ जल्दी से। My mom cooked a delicious night at meal. My mom cooked. सर हाय, इसका माइक ऑन था। 50 रुपए खड़े। My mom cooked. सर यार। कोई बात नहीं। हैरत की बात यह है कि तुम लोगों की शक्लें नजर नहीं आ रही फिर भी मुझे हंसी आ रही है। डिफरेंट चीज है ये। माय मॉम कुक अ डिलीशियस मील एट नाइट। अ डिलीशियस नहीं, डिलीशियस होता है, तौबा करो, इंग्लिश में गुनाह करते हो। डिलीशियस नाइट हम ना, माय मॉम अ डिलीशियस मील, मेरी अम्मा बड़ा लजीज खाना है, क्या हो गया भाई ये। ये कौन बोल रहा है, लिखना भूल गई थी वो। अच्छा तो वैसे ही मैं डर गया, मैंने कहा भाई ये तो आदमखोर हो गई है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात, गलती हो जाती है इंसान से। चलो अब मैं 3-4 केसेस और तुम लोगों को देता हूं। A sumptuous institute was parked the car at. A sumptuous institute was parked the car at. जल्दी से बताओ, करवट करके। The car was parked at the sumptuous institute. सोचो जल्दी से, हेस्ट नहीं करो, सुकून से बनाओ, सुकून से। सोचो और सोचो अनुषा, सुबामा दिस टाइम यू आर रॉन्ग, इस बार सारे लोग बच्चे गलत दे रहे हैं जवाब, क्या हो गया भाई।
देखो मैं तुम्हें पहले सम्प्टुअस का मतलब बता देता हूँ. सम्प्टुअस का मतलब है समथिंग दैट लुक्स एक्सपेंसिव, ठीक है, समथिंग दैट लुक्स प्रेशियस. अब अमूमन प्रेशियस होना या एक्सपेंसिव होना किसी बिल्डिंग की निशानी नहीं होती, ठीक है. सम्प्टुअस जो एडजेक्टिव है वो ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ आता है जिनको हम प्रेशियस, खूबसूरत कहते हैं. यानी ये सम्प्टुअस जो वर्ड है, ये मॉडिफायर जो है, कार के साथ है, इंस्टीट्यूट के साथ नहीं है ये. अब बनाओ एक हिंदी वर्ड. अब 100% सही है. असंचुष्कार आएगा. असंचुष्कार वो स्पार्क्ड एट दी इंस्टीट्यूट. दा और आ की गलती हो रही भाई. सुमामा ने बिल्कुल सही लिखा है, फायजा ने बिल्कुल सही लिखा है. द संचुष्कार नहीं होगा, असंचुष्कार होगा. अब बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया सर. अब मुझे बताओ ये डैंगलिंग मॉडिफायर जो प्लेस वो है, मिसप्लेस मॉडिफायर से क्लियर हो गया सर? डैंगलिंग अभी हमने नहीं पढ़ा है, मिसप्लेस क्लियर है सर? सर सम्प्टुअस का मतलब तो बता दीजिए. सम्प्टुअस मींस समथिंग दैट लुक्स एक्सपेंसिव, समथिंग दैट लुक्स प्रेशियस. कोई चीज जो कीमती नजर आए, महंगी नजर आए, उसे क्या कहते हैं? सम्प्टुअस कहते हैं, ठीक है. यानी द ड्रेस यू आर वेयरिंग लुक्स सम्प्टुअस. क्या हुई बात ये सबको? मैं नहीं बताऊंगा. तो फिर एक काम ही करते हैं कि आज की क्लास में ये जो हमारा मिसप्लेस मॉडिफायर है इसी को पक्का करते हैं. फिर कमिंग क्लास में, यानी फोर्थ कमिंग क्लास में, तुमको मैं डैंगलिंग मॉडिफायर करवाऊंगा. तो सबोर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें अगर कवर हो गई, हमारा कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा. यानी दो हफ्ते में हमारा ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा. सर जो पिछले आपने क्लासेस ली है ऑनलाइन, उसमें जो जिसमें वो समझाया, उसमें तो किसी ने क्लास ही नहीं ली, वो कब समझाएंगे? तो जिन्होंने क्लासेस नहीं ली है उनके लिए मैं एक क्लास सेशन ले लूंगा, कोई ऐसा नहीं मेरे लिए, ठीक है. जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना सर, ये वाला जो कोर्स रेगुलर चल रहा है हमारा, तो इसी टाइम में जिनकी क्लासेस मिस हो गई है उनके लिए क्लास रख देता हूँ, ठीक है. बेफिक्र सारे का अलग से सेशन रख दीजिएगा, जिसमें जो प्रीवियस है वो आपको रिपीट करवा दें, मतलब शॉर्ट समरी में. क्या आज की नहीं सर, प्रीवियस वाला. हाँ प्रीवियस वाला जो टॉपिक है ना, वो बिल्कुल मैं रिवाइज करवाऊंगा. लेकिन कब करवाऊंगा? ये जब ये कोर्स की जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ये मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है. सर आपसे एक बात है. बोलो बोलो सर. वो जो आपने असाइनमेंट दिया था पिछली क्लासों में, हम थे नहीं और हमारी फीस भी जमा नहीं हुई थी बहुत से बच्चों की, तो सर जो आपने असाइनमेंट दिया था उसके बारे में दोबारा बता दें और वो आपको एक दो दिन में करके दे देंगे. चलो चलो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सब शेयर करता हूँ, अभी टाइम खत्म हो रहा है ज़ूम की मीटिंग का, तो फिर मैं व्हाट्सएप में बता देता हूँ साइड डिटेल्स, ठीक है. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा भाई, बदतमीजी ना कीजिएगा अगली क्लास में. अल्लाह हाफ़िज़. ना 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 ये तो नहीं होगा. अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा सर. सर आपने कहा था कि आप जो है एक्टिव पैसिव वॉइस के जो है ना सेंटेंसेस जो है उसकी शीट देंगे, तो आपने वो भी नहीं दी. मुझे याद दिला देना अल्लाह के बंदो सर.